हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं मकर संक्रांति पे आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ मुरमुरे के लड्डू की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी और आप बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है और गुड़ डाला है। इसमें मात्रा बराबर होती है, जितना गुड़ होगा उतनी ही मुरमुरा होगा। पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, केवल घी में और उसमें ही करना है। और इसको गुड़ को मेल्ट होने देना है। उसके बाद हम इसे चेक करेंगे और पानी में डालेंगे। अगर ये पानी में इकट्ठा हो जाता है, मीन्स कि ये रेडी हो चुका है और इसमें बबल्स आने लगे, ये इसकी पहचान है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह का बन जाए, मतलब कि आपका पाक रेडी है। उसके बाद आप गैस को बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे जो 1 पिंच सोडा लिया था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। इस पर यहाँ पर बहुत फास्ट हमें काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अब यहाँ पे हम ये हैं वो ऐड करेंगे। सोडा की मात्रा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम सोडा डालने के बाद अच्छे से हिलाएंगे और तब तक हिलाएंगे जब तक ये अच्छे से मिल नहीं जाता है। प्रॉपर तरीके से हमें इसको मिक्स करना है और इसका कलर चेंज हो जाएगा। जब आप सोडा इसके अंदर डालेंगे तो थोड़ा सा वाइट वाइट सा आपको दिखने लगेगा कि तो मतलब आप समझ लें कि अब ये हो चुका है परफेक्ट। अब हम इसके अंदर मुरमुरा को हमने पहले सेक लिया था। हमने इसको माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए मैंने सेक लिया था, तो ये काफ़ी क्रिस्पी हो गया था। अब हमने इसे अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको हाथों की हेल्प से या फिर इस तरह से, आप चाहें तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसके पट्टी भी बना सकते हैं, जो चाहें वो बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले लड्डू बना लेती हूँ और तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे लड्डू बने हैं, एकदम भी हैं, बहुत अच्छे बने हैं और बहुत टेस्टी और बहुत इजी है बनाना। कोई भी इसे बना सकता है बहुत आसानी से, बस चेक करने का तरीके का ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है बनाने में। लड्डू बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है मिश्रण, तो पानी का हाथ लगाना चाहिए। हाथ में पानी लगा के उसके बाद ही आप टच कीजिए, नहीं तो हाथ जल जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे तो इस बात का ध्यान देना है। बाकी तो बहुत इजी है बनाने में। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने लड्डू बनाए हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आप पिक भी दे सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे पुष्पलता किचन पे, मैं उसको स्टोरी में लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी